अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए के फार्म जू। तो फ्रेंड, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ए के फार्म जू। और मेरे चैनल, मेरी वीडियोस अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और दिखाते हैं आपको हमारे पास कौन कौन से बर्ड्स हैं और सबके अपनी मालूम देते हैं और ब्रीडिंग प्रोग्रेस भी आपको साथ साथ दिखाते हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, आपको पहले पूरी कॉलोनी का व्यू कराते हैं, व्यू दिखाते हैं, उसके बाद आपको फिर आगे शुरू करते हैं वीडियो। फ्रेंड्स, ये अब आपने नीचे देखे होंगे जो दो थे, वो ये और जो नीचे आपने देखे उनके माँ बाप हैं और वो नीचे इनके बच्चे थे। और ये इनका सेकंड क्लास है जिसके दो अंडे इन्होंने माशाल्लाह दे दिए हुए हैं। और ये एक मेरा पेयर है बजीज का, बहुत अच्छा, जिसने फर्स्ट क्लच में मेरे पास 5 बच्चे निकाले थे वो मैंने उस साइड पर छोड़ दिए। और अभी भी इसका एक बच्चा आया हुआ है माशाल्लाह से, आप देख सकते हैं, ये मेरा बहुत अच्छा पेयर है माशाल्लाह। अब आपको दिखाते हैं अपने लव बर्ड। और ये देखें माशाल्लाह, ये हमारा लव बर्ड का पेयर है, इसको इसकी भी इंशाल्लाह बहुत जल्द ब्रीड आएगी, फिर आपको वो भी दिखाएंगे। ये है उनके बच्चे जो आपको बताया था पहले मैंने, ये ऊपर वाले के फर्स्ट क्लास के बच्चे हैं। अब आपको दिखाया डायमंड। अब ये आप कपड़ा देख रहे होंगे, ये इससे लेकर आपको पता सर्दी बहुत होती है, उसके वजह से कपड़ा लगाया हुआ है। और ये हमारे डायमंड अब है, ये भी आपको दिखाते हैं तो चल के। ये देखें, ये दो पेयर हैं हमारे पास डायमंड अब के, ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। और अब इनको करते हैं बंद, फिर चलते हैं आपको उस साइड पे अपनी दूसरी कॉलोनी का व्यू कराते हैं, दूसरी कॉलोनी पूरी दिखाते हैं और उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में आपको सारा मालूम देते हैं। चलते हैं उस साइड पे। तो ये हम आप देख सकते हैं कॉलोनी। अब हम इस साइड पे आ गए, इस साइड पे मैंने बजीज खुले छोड़े हैं, बाकी सब केजी जितने भी उन सब में अंदर फिंची दी हैं। तो पहले आपको बजीज सारे दिखाते हैं, उसके बाद हम आपको बड़ी बड़ी केजी दिखाते हैं। ये देखें, ये मेरे बजीज हैं माशाल्लाह, सब ब्रीडर हैं। अभी मैंने इनको कुछ लगाए हैं, पहले लगाए थे इनकी एक ब्रीड लेके, वो मैं दे चुका हूँ किसी दोस्त को, सेल कर चुका हूँ और कुछ वैसे ही दे दिए थे अपने फ्रेंड्स को, उसने भी न्यू सेटअप बनाया था। अब आपको अपना फर्स्ट फिंचिस का पेयर दिखाते हैं। तो ये पहले आप देख लें सारे फिंचिस वगैरह, और यहाँ पर मेरे पास ब्रीड भी आई हुई है माशाल्लाह से बजीज की भी, वो देख लें, ये आपको दिखाते हैं माशाल्लाह। रेड एज बच्चा है, ब्लैक एज में रेड एज निकला हुआ है। तो ये देखें बच्चे माशाल्लाह, बच्चे की हेल्थ बहुत अच्छी है और ग्रोथ बहुत जल्दी कर रहा है, वो देखें माशाल्लाह रेड एज है, काटता वगैरह कुछ भी नहीं है। मेरे जितने बर्ड हैं तकरीबन कोई भी नहीं काटता, बहुत ही कम काटते हैं। तो इसको रखते हैं वापस और फिर आपको अब दिखाते हैं फिंचेज वगैरह अपने बाकी के जी। चलें चलते हैं इसकी तरफ, बाकी सब कुछ ये खाली, उनके अंदर कोई इतनी ब्रीडिंग प्रोग्रेस वगैरह नहीं। ये एक है रेड एज जिसने भी फर्स्ट एग ले की है, जैसे ही सेकंड एग ले करी वो भी आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाएंगे अगर इसने सेकंड एग ले कर दिया हुआ तो। तो चलते हैं अपने फिंचिस का पेयर, ये मेरा फिंचिस का फर्स्ट पेयर है, ये मैंने छोटे पट्ठे लिए थे और वो अडल्ट हुए माशाल्लाह से। अभी इन्होंने नेस्टिंग की हुई है पूरी, अभी इनकी ब्रीड नहीं है, जैसी ब्रीड आएगी वो भी आपको ज़रूर शेयर करेंगे। इनको करते वापस कवर क्योंकि सर्दी आपको पता है। और इस साइड भी चलते हैं, ये भी मेरा एक फिंचिस का पेयर है, ये आपको दिखाते हैं एक मिनट। ये मेरे ख्याल से अंदर गया हुआ मटकी के अंदर है पूरा पेयर, इससे भी ब्रीड नहीं की, इंशाल्लाह बहुत जल्द कर देगी, इसे ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। चलते हैं दूसरे बजिस के पेयर की तरफ, बजिस के आ रहा हूँ सॉरी फिंचिस के पेयर की तरफ, वो आपको दिखाते हैं। तो ये देखें, ये मेरा फिंचिस का पेयर है, इसने भी माशाल्लाह नेस्टिंग की हुई है, अभी आ रहा नीचे बैठा, वो देखें वो साइड आपको मेल नज़र आ रहा होगा, इससे माशाल्लाह नेस्टिंग पूरी कर ली है, अभी बस ब्रीड नहीं की। ये फीमेल है और वो ऊपर मेल था, ये हो गए हमारे तीन फिंचिस के पेयर। अब आपको दिखाते हैं चौथा फिंच का पेयर, और वो देखें माशाल्लाह, ये भी फिंच का पेयर, इसकी भी नेस्टिंग कंप्लीट है पर इसने अभी ब्रीड नहीं की, अभी करेंगे। सब न्यू पेयर लेकर आए हैं मार्केट से तो अभी इन्होंने ब्रीड नहीं की। ये एक मेरा बजिस का पेयर है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छा, और इसके भी माशाल्लाह बच्चे निकले हुए, इसलिए इसको मैं लगा किया हुआ, इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करते। और ये आप बाकी मेरी कॉलोनी देख लें, कॉलोनी में झूले वगैरह मैंने खुद बना कर लगाए हैं ताकि बच्चे जो एंटरटेनमेंट करते रहें थोड़ी देर। ये अक्सर जब बच्चे निकलते हैं वो बच्चे इस साइड पर छोड़ते हैं तो वो ज़्यादा इस तरह के काम करते हैं, झूले वगैरह लेते हैं, खुश होते हैं, तो ये उनके लिए ज़्यादातर लगाया हुआ। तो वो लवबर्ड का पेयर,
ये मैंने जहाँ पे जिनसे लाया था तो उन्होंने तो कहा था पेड़ है, मगर ये मेरी नज़र में कंफर्म पेड़ नहीं है लबड़ का। तो अब ये भी हम इसके लिए भी मैं जहाँ पे दोबारा चेक करें वहाँ पे कह रहे हैं मेल है ये, इसके लिए भी इंशाल्लाह दोबारा फीमेल से लेके आएंगे और फिर आपको दिखाएंगे इनके ब्रीड। अभी हम देख रहे हैं कि फिंच शायद नज़र आ जाए, आपको दिखा रहे हैं, मगर फिंच अंदर है, मिट्टी के अंदर गई हुई है दोनों, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते। बाकी आपको बिजनेस दिखाते हैं पूरी कलोनी तो आपको दोबारा, ये केजी है, सब केजी मेरे डांपे हुए हैं, खास तौर पे फिंच के, फिंच बहुत ही नाजुक बर्ड है, वो बहुत जल्दी बीमार हो जाता है और उसके जो होता है मरने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए हम रिस्क नहीं ले सकते। अब चलते हैं दूसरी कलोनी की तरफ, वो भी आपको दिखाते हैं। यहाँ पर मैंने अपना दाना वगैरह सारा सामान वगैरह रखा हुआ है, दाना इसके ऊपर इसलिए कपड़ा डाला हुआ है ताकि जो हमें वो बहुत ज़्यादा गंद डालते हैं, गंद ना डाल सकते। ये देखें इनकी मेडिसिन वगैरह हर चीज़ पड़ी हुई है, ग्रेट वगैरह हर चीज़ रखी हुई है। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं मार्केट में, तो मार्केट में जाके आप नए बर्ड लेकर आते हैं, चलते हैं जी मार्केटिंग में। चल ये आ गए हम मार्केट में, तो ये देखिए माशाल्लाह मार्केट में बहुत ज़्यादा बर्ड हैं, सामने आपको कलर जितने नज़र आ रहा होगा ब्लैक जितने और साथ ही रिगनेक्स पड़े हुए हैं, सब माशाल्लाह ब्रीडर हैं सारे ये मार्केट में। अब आपको दिखाते हैं फिंची वगैरह, ये भी एक है रिगनेक है और ये लवबर्ड के साथ, ये आ गई हमारी फिंचेस, ये भी फिंचेस हैं, ये भी फिंच हैं और यहाँ पर भी फिंचेस हैं, ऊपर खाली केजी हैं और यहाँ पे आगे बेजिस होगों में पड़े हुए, होगों के स्प्लिट में पड़े हुए, काफ़ी बेजिस पड़े हुए। ये रिंगनेक का मेल है, ये देखें डायमंड ऑफ, एक हम डायमंड ऑफ का पेड़ लेंगे, यहीं से हम डायमंड ऑफ का पेड़ लेके गए थे और फिंचेस और साथ में वो क्या कहते हैं बजी की, और ये कोकटेल है माशाल्लाह इनू, ये लोबर का पेयर है लटीनो और फिशर का, आगे कोकटेल हैं, बजीज हैं, फिंचीज हैं, बैन लाइफ फिंचीज, सब मिक्स हैं दीदी। जो ऊपर आगे होगा प्योर होगा पेयर है, बाकी ऐसे सब बढ़ गए मतलब बहुत चाहिए, ग्रीन में कोकटेल आ गए, रेड आइसक्रीम में कोकटेल, इनके बजीज हैं, पर लोबर हैं वो सामने, मुर्गियाँ वगैरह ये कुछ वगैरह हर चीज़ यहाँ पर पड़ी हुई मार्केट में। ये आगे रात होते वो भी देखें, ये भी रहा है पहाड़ी राज्य पर रहते हैं बहुत अच्छे, तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह यहाँ पर, माशाल्लाह यहाँ पर काफ़ी मकदार में तोते वगैरह बर्ड्स, काफ़ी मकदार में बर्ड तो और वगैरह पड़े हुए हैं, और ये देखें लो बर्ड माशाल्लाह बहुत ही क्वालिटी बर्ड हैं, ये भी एग्जीबिशन में थे, और ये देखें लो बर्ड लटीनो में माशाल्लाह, वो ऊपर प्लम्प हेड है, और ये नीचे रिंगनेक्स आ गए, और ये कोकटेल आए क्रीम में, और वो एग्जीबिशन का पेयर है माशाल्लाह बहुत सारा बची, और ये पहाड़ी रहा का पेयर है पूरा अडल्ट पेयर है, और बस हमने अपने बर्ड वगैरह ले लिए, अब चलते हैं। ये देखें मुर्गियां वगैरह, और यहाँ पे फैंसी पिजन्स हैं, मुर्गियां कबूतर वगैरह हर चीज़ है यहाँ पर, ये देखें फैंसी कबूतर गुब्बारा कबूतर माशाल्लाह बहुत ही प्यारे क्वालिटी बर्ड। अब चलते हैं घर, और घर चल का अपने ब्लैक लगे दिखाते हैं। फ्रेंड जी आप देख सकते हैं मेरे ब्लैक लगे हैं माशाल्लाह, अभी ये भी मैं न्यू लाया था, इन्हें भी कोई ब्रीड नहीं की, टेस्टिंग वगैरह की हुई है सब कुछ हुआ, बस अब इससे ब्रीड करनी है, जैसे ब्रीड करते वो वैसे शेयर करते। ये सील चूजे हैं और साथ तो सब चूजा है देसी, ये भी छोटे छोटे चूजा था माशाल्लाह बड़े हो गए, और अब आपको अपनी बाहर से क्लिनिक का व्यू भी कराते हैं। ये रखे हुए हैं, और ये मेरा केज है जिस ये बाहर से फुल कवर किया हुआ है सर्दी। मिलते हैं फ्रेंड्स अब कल एक न्यू टॉपिक के साथ, एक न्यू वीडियो के साथ, अभी के लिए दीजिए मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।